डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक ये एक नई सीरीज है करंट अफेयर की मैंने दो महीने का पिछले वीडियो में कवर किया था मुझे लगता है कि आगे आने वाले कंपिटेटिव एग्जाम के लिए यदि आप इंटरेस्ट रही तो मैं वीकली कोशिश करूंगा और ये सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्प करेगा इवन सिविल सर्विसेज पीजी इंट्रेंस टेस्ट यूजीसी नेट सी एंड मेनी मेनी अदर कंपिटेटिव एग्जाम सो लेट अस बिगिन वीकली करंट अफेयर इसमें मैंने समेटा है न्यूज नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड अवार्ड एंड ऑल मेनी मेनी अदर थिंग्स ट्वेंटी मार्च से लेके दो अप्रैल तक का सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स बिगिन सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड करने की कोशिश की है इन वीकली uh, न्यूज को कैटेगरी वाइज तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखें कि क्या दिखता है तो मोस्ट रिसेंट फिफ्थ समिट मेरे जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के उनको पता होगा बिमस्टेक कितना इंपॉर्टेंट uh, अभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए सार्क के खटाई में पड़ जाने के चलते सार्क आपको पता है 1985 में बना सेवन नेशन बाद में 2007 में अफगानिस्तान उसमें जुड़ता है आठ नेशन लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है कॉन्फ्लिक्ट उसके चलते उसकी कुछ हो नहीं पाई इनफैक्ट uh, 2014 चौदह या सोलह के बाद से कोई उसकी मीटिंग भी नहीं हो पाई है तो ये एक इशू है तो इंडिया ने ज्यादा फोकस करना शुरू किया बिमस्टेक के लिए का नाम बहुत अजीब सा है इसका है पूरा फुल फॉर्म है आप यहाँ देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन तो अपने आप में ये भी क्वेश्चन बन जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है लेकिन ये इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है या जो लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें ये फिट बैठता है और इसमें यदि आप देखेंगे तो पांच जो है वो मेंबर ऑलरेडी है सार्क है, इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश भूटान नेपाल तो केवल कौन नहीं है बांग्लादेश नहीं सॉरी पाकिस्तान नहीं है और अफगानिस्तान नहीं है इसमें और मालदीव नहीं है तो बहुत ए, एक तरह से ये सार्क मिनी सार्क भी है और इसमें दो जो है म्यांमार और थाईलैंड जो इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इकोनॉमिक पार्टनर है वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये नॉन सार्क कंट्री है ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिमस्टेक में कौन से नॉन सार्क कंट्री हैं तो ये हैं इसलिए इसको मिनी सार्क भी कहा जाता है और जैसा मैंने आपको बताया कि लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी की फ्रेमवर्क में फिट बैठता था इसके हेडक्वार्टर जो है ढाका बांग्लादेश में है और इसकी जो लास्ट जो समिट समिट मीटिंग क्या होती है जहां पे कि हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के मिलते हैं उसके पहले फॉरेन मिनिस्टर और अलग अलग लोग मिलते हैं लेकिन वो समिट 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 नहीं है मतलब सबसे ऊंची मीटिंग तो जो पांचवी की हुई है, अभी श्रीलंका में कोलंबो में तीस मार्च को हुई उसमें हुई तो वर्चुअल लेकिन उसको होस्ट श्रीलंका ने किया था उसके पहले हमारे फॉरन मिनिस्टर श्रीलंका गए थे वहां पर उन्होंने बातचीत भी की थी आपको पता है श्रीलंका एक अभी बहुत ही टफ इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है पर्टिकुलरली फॉरन चेंज क्राइसिस और उसके चलते इंपोर्ट खास करके जो इनर्जी की इंपोर्ट है गैस पेट्रोल डीजल और फूड स्टफ इन सब की कमी वहां पर हो गई है तो फिफ्थ बिम्स्टिक समिट हेल्थ ये क्वेश्चन है तो ये सॉरी इसमें जो है इसमें इसको काट दीजिए ये ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही रॉन्ग है ये हुई है कोलंबो कोलंबो श्रीलंका और ये हुई है वर्चुअल इसलिए कहना गलत है कि कोलंबो ये वर्चुअल हुई है तो वर्चुअल हुई है लेकिन कोलंबो इसको होस्ट कर रहा था तो समिट हेल्ड एट नो प्लेस वर्चुअल हुई है मोदी जी ने इसमें वर्चुअली जो है भाग लिया है विच वॉज नॉट द फोकस एरिया फॉर डिस्कशन इन द मोस्ट रिसेंट फिफ बिम्सटेक समिट तो जो ये वर्चुअल समिट हुई फिफ्थ उसमें तीन चीजों पर जो है फोकस की गई एक कौन सा नहीं था तो इसको छोड़ दीजिए श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस पे कोई चर्चा नहीं हुई लेकिन जो तीन इशू थे रीजनल कनेक्टिविटी इनर्जी और रीजनल सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी मैरीटाइम मतलब जो समुद्र में जो जहाज और इन सब की सिक्योरिटी ट्रेडिंग सिक्योरिटी मतलब सी एरिया की सिक्योरिटी इस पे जो है चर्चा हुई तो ये भी आपको एक डीप क्वेश्चन पूछा जा सकता है थर्ड मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री हेल्ड रिसेंटली थर्टी थर्टी मार्च Where? अब अब देखिए अफगानिस्तान पता है 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 आपको एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। तालिबान के के बाद डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं ठीक से कोई स्टेट भी नहीं बन पाई है और उसको कोई रिकॉग्निशन भी नहीं है उस स्टेट को किसी भी कंट्री के द्वारा वैसे रसिया चाइना पाकिस्तान और कुछ कंट्री सऊदी अरेबिया इन सब इसको थोड़ी बहुत उसके साथ में रिलेशन बना रहे हैं और ताजिकिस्तान तर्कमिस्तान भी लेकिन ऑफिशियली किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की बैठक जो है हर साल हो रही है जिसमें वो उन फॉरेन मिनिस्टर की जो अफगानिस्तान के आसपास के कंट्री हैं और उसमें जो उनके इशू पे चर्चा होती है कुछ हेल्प करने की कोशिश की जाती है इस बार की जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ अफगानिस्तान पे वो कहां हुआ देखिए यहां पे तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है आ, ये जो आस का बात है इसको याद भी आपको करना चाहिए ताजिकिस्तान कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन सब की राजधानी आपको याद होनी चाहिए पाकिस्तान भी बहुत क्लोज फ्रेंड है न्यू दिल्ली लेकिन जो हुई है वो तुंगसी तुंगसी चाइना चाइना में हुई चाइना जो है बहुत कूद पड़ा है अभी अफगानिस्तान को अपने पाले में करने की अफगानिस्तान ऑलवेज एक बहुत डिफिकल्ट कंट्री रहा है और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें वो अफगानिस्तान को शामिल करना चाहता है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना एक ट्राइलेट्रल एक कॉम्बो बनाना चाहता है और अपनी जो चाइना जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सीपीईसी उसको एक्सटेंड करना चाहता है तो कौन कौन कंट्री मिले चाइना को।, को नहीं बुलाया गया या इंडिया नहीं गया तो ये इंडिया के लिए एक अजीब सी बात है अनीजी है कि अफगानिस्तान जो उसके इतना करीबी है और उसमें इतने उसने इन्वेस्ट किए उसमें इन कंट्री ने उसको छोड़ दिया और देखिए रशिया चाइना कैसे एक दूसरे के साथ जा रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है ने बोला, yes, 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 yes. कि हमें कोई परेशानी है, तो है क्या सीपीईसी तो आप यह सब तो मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए दिया है कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप इकोनॉमिक पढ़ लीजिएगा यह सब है नहीं ये सब कुछ भी नहीं है यह बेसिकली है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपीईसी अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चन को जज कर लीजिए और फिर मेरे आंसर को देखिए आपको ज्यादा फायदा होगा तो सीपीईसी जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है नेटवर्क ऑफ हाईवे रेलवे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल गैस एनर्जी से कि सीमलेसली बहुत फास्ट जो है ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट हो पाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होती है बेसिकली और ये करीब पचास बिलियन डॉलर का है इसमें अधिकतर पैसा जो है वो चाइना का लग रहा है चाइना इज विलिंग टू पुश फॉर एक्सटेंडिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान जो कि चाहता है वो कि बी में भी शामिल हो जाए तो और उसके जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल बहुत एक्टिव हैं इस मंथ में उन्होंने कितनी कंट्री की यात्रा कर ली श्रीलंका इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड ऑल ई ने जो है कहा है कि हम सीपीएसई को अफगानिस्तान में एक्सटेंड करना चाहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कंपिटेटिव एंड एक्सटेंशन टू अफगानिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विथ विच कंट्री पाकिस्तान क्लेम टू हैव मिल्क एंड हनी रिलेशनशिप वैसे बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है अभी हाल में जो है चाइना के वैंगई ने भी बात कही पाकिस्तान ने भी ये बात कही इमरान खान ने भी ये बात कही तो ये जो है चाइना पाकिस्तान रिलेशन को दर्शाता है

और पाकिस्तान का रिलेशन हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है क्योंकि कश्मीर के इशू है और अफगानिस्तान भी यदि उसमें शामिल हो जाए तो कश्मीर बिल्कुल घिर जाता है इन सब कंट्री से और हमारे लिए डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटिकली एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होगी ये ये क्यों ये question, uh, current event का है? क्योंकि foreign minister Pakistan के अभी आ, उन्होंने बयान दिया वही जो आ, नेशन, के थे, बयान दिया, उन्होंने पे बयान दिया, उन्होंने, उन्होंने कश्मीर पे भी कुछ बयान दे दिया अभी जो ओआईसी की जो मीटिंग हुई थी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने बयान दिया तो इनका नाम है शाह महमूद कुरैशी ज द फॉर मिनिस्टर ऑफ चाइना मिनिस्टर ऑफ चाइना बताया इतने पॉपुलर अभी हो गए वो सभी कंट्री जो एशियन कंट्री उसकी यात्रा कर रहे हैं बहुत बहुत बयान दे रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं जानता देखिये चाइना के प्राइम मिनिस्टर का नाम है ली के गिंग कोई नहीं जानता इनको क्योंकि ये चुपचाप पड़ रहे थे कितने सालों से और वैंग ई को जो हम लोग सब जान गए हैं क्योंकि ये काफी बोल रहे हैं काफी भ्रमण कर रहे हैं इंडिया भी आए थे ये और अपने फॉरन मिनिस्टर से मिले भी थे तो वैंगी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका क्यों ये न्यूज में है श्रीलंका की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इतनी खराब हो गई है कि लोग वहां सड़कों पर निकल आए उन्होंने प्रेसिडेंट के हाउस का घेराव कर लिया वहाँ आगजनी करने लगे और वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा इमरजेंसी लगाना पड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन है उसके प्रेसिडेंट तो उनके जो प्रेसिडेंट है क्या ये है नहीं बेसिकली जो पहला इसमें नाम है ये पी एम है वहाँ के और ये इसके ब्रदर भी है प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट है वो गोताबया राजपक्षा है और ये दोनों भाई तीनों भाई मिलकर कोई एक फॉरन मिनिस्टर बनता है कोई एक पीएम बनता है कोई पहले ये प्रेसिडेंट थे तो ये लोग मिल करके भाई लोग ही मिल के चला रहे हैं मतलब भाई लोगों की सरकार है ऐसा कह लीजिए एक अजीब सी बात है कि एक ही परिवार के लोग इस तरह से इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं श्रीलंका में हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ये क्यों अभी इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड की काफी सारे बयान आए वो पोलैंड गए नेटो के तरफ से गए और काफी टफ क्वेश्चन का उन्होंने सामना भी किया है तो आपको चलिए जवाब बता देते अभी तक आपने पॉज करके कुछ गेस कर लिया होगा ये हैं बोरिस जॉनसन जिनकी बाल बालों के चलते चर्चा में है रखते हैं बच्चों के जैसा बाल उनकी लड़ाती है और इनको कोविड भी हो गया था बहुत फ्लैम प्वाइंट माने जाते हैं जिसे मैं लंदन में था एल में पढ़ता था तो मतलब बोरिस जॉनसन वॉज लाइक काइंड ऑफ एम ए वेरी जॉब जोवियल और बहुत ही हीरो काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मतलब लाइट हर्टेड काइंड ऑफ हु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए क्यों ये न्यूज में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकॉज इन्होंने भी इंडिया और कई जगह उन्होंने दौरा भी किया है कई बयान भी दिए हैं अभी यूएसए का और यूक्रेन की लड़ाई पर भी काफी इनके बयान आए हैं तो अभी तक आपने रोक के देख लिया होगा तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं एंटोनी ब्लिंकिन और ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पीपल हैं एलिजाबेथ ट्रस्ट को भी आगे हम लोग देखेंगे पॉम्पियो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे टुलसन भी पहले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले समझिए मेरे स्टूडेंट जिनको पता नहीं है ये कंफ्यूजन होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोई अधिकारी नहीं होता है वहां पे यूएसए में और यूके में इंग्लैंड में भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो फॉरेन मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं जैसे सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स तो वो होम मिनिस्टर को बोलते हैं ये बहुत अजीब सी बात है हम लोग को समझना चाहिए इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब ऐसे पूछा जाए तो Who is the foreign minister of USA? तो हु हु इज इज द द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूएसए एंटोनी प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ये तो ये मैंने किसके लिए दिया है ये मैंने दिया है अपने क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट के लिए क्योंकि उनको सीयूटी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो तो बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत बच्चे टाइप का क्वेश्चन आपने पूछ दिया यस लेकिन ट -E के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जलनिस, जलनिस्की, जलनिस्की। और ये आपको बता दें कि जलेनिस्की जो है ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है ये बेसिकली यूक्रेनियन नहीं है ये है ज्यूस ओरिजिन के आ, रसिया भी रशियन भी बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं और ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं और एक बहुत अजीब सी बात है कि एक जस्ट उनके राष्ट्रपति के इलेक्शन के पहले एक बहुत ही फेमस कॉमेडी सीरियल आई थी उसमें वो एक हिस्ट्री के प्रोफेसर का रोल करते हैं जो कि गलती से जो है यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन जाता है उनके रियल लाइफ में भी यही हुआ कि एक आदमी ऐसा था जो प्रेसिडेंट बन गया और वो जिस बहादुरी से वो रूस का सामना हैं इसके चलते पूरी दुनिया में जलेंस जो है फेमस हो गए हैं हु इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूके जैसा मैंने आपको बताया यूके और यूए दोनों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब फॉरेन मिनिस्टर होते हैं तो चलिए पॉज करके आपने अभी तक देख लिया होगा आपने गेस कर ली होगी यस yes, इनको शॉर्ट में तो लीज ट्रस्ट भी कहते हैं एलिजाबेथ ट्रस्ट जो कि अभी इंडिया उन्होंने विजिट किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से मिली भी और उन लोगों ने बातचीत भी किया उनकी बहुत सारी आशंकाएं थी इंडिया और रूस के रिलेशन को लेकर इंडिया ने उनको एलई किया आइए इंटरनेशनल अफेयर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव और ये क्यों न्यूज में थे बिकॉज अपने फॉरेन मिनिस्टर मालदीव गए और वहां पे ऐसा हुआ है कि एक्स जो प्रेसिडेंट है मिस्टर खयूम नाम चेक कर लीजिएगा वो एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं ये बहुत ही कंसर्न का विषय है इंडिया मालदीव के लिए क्योंकि वहां की जो करंट जो गवर्नमेंट है वो इंडिया से फ्रेंडली है ऑफकोर्स वो एक मुस्लिम नेशन है उसके बावजूद भी बहुत अच्छे रिलेशन हमारे उनसे हैं और उनके जो फॉरन मिनिस्टर है अब तक आपने पॉज करके आई होप की आपने चेक कर लिया होगा शाह महमूद सॉरी ये अब्दुल्ला हशी, शाहिद हैं अब्दुल्ला शाहिद के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ये फॉरेन मिनिस्टर मालदीव के रहते हुए और ये एक और पोस्ट इन्होंने होल्ड किया था ये यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है उसके प्रेसिडेंट भी चुने गए थे एक साल के लिए हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रसिया क्यों ये न्यूज में थे बिकॉज ही विजिटेड इंडिया और वो रूस यूक्रेन युद्ध के साए में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी उसी के आसपास में जो है ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन मिनिस्टर आए और उसी में जो है ग्रीक के जो है फॉरेन मिनिस्टर आए और बहुत सारे जो एन एस ए भी डिप्टी एन जो है यूएसए के आए काफ़ी लोगों की हलचल जो है इंडिया में अचानक बढ़ गई क्योंकि इंडिया एक तटस्थ जैसा नेशन जो है रूस यूक्रेन के वॉर में है और कई वेस्टर्न नेशन को ये

Uh, इनका नाम है दिस मौलवी अमीर खान मोहताकी uh, ये सब नाम बहुत टफ है प्रोनाउंस करना भी आप चेक कर लीजिएगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये क्यों न्यूज में थे बिकॉज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्चुअल समिट मीटिंग किया uh, मतलब वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत जल्द ही सेपा में बदल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो इंडिया ने अभी तक केवल तीन कंट्री के साथ किया है पहले किया था साउथ कोरिया फिर जापान और फिर अभी हाल में यूएई के साथ में तो अब ये ऑस्ट्रेलिया चौथा सेपा कंट्री इंडिया का बन जाएगा सेपा सबसे ज्यादा फ्री फ्रेंडली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है दो कंट्री के बीच में तो इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन जिनके साथ मोदी जी ने बातचीत किया हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अफगानिस्तान का आपको याद रखना चाहिए कई जगह तालिबान के रिकेप्चर के बाद अगस्त 2021 में वहां पे जो पीएम है वो तो एक तरह का ट्यूटलर हेड है उनकी कोई बहुत ज्यादा औकात है नहीं लेकिन का नाम याद कर लीजिए मुल्ला मोहम्मद हसन अखन और जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं तालिबान के वही वहां के समझिए प्रेसिडेंट वहां के राष्ट्रपिता टाइप के राष्ट्रपति जैसे हैं या हेड ऑफ द स्टेट हैं वो हैं हबातुल्ला Sorry, मैं से नहीं कर रहा आप कर लीजिए so, पाइपलाइन विल नॉट पास फ्रॉम विच कंट्री अब ये तापी पहले गैस पाइपलाइन है क्या अभी तक आपने इसको यदि रोक के नहीं देखा है तो देख लीजिए इसका पूरा नाम है द टर्क मैनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन तापी सॉर्ट फॉर्म है और इसको ट्रांस अफगान पाइपलाइन भी कहते हैं ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन कैरी करने का है जो डेवलप किया गया है एक कंपनी के द्वारा आप देख सकते हैं गल्कनाइस तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड विद पार्टिसिपेशन दे ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसको जो है फंड किया है तो इसको uh, आप समझ सकते हैं कि ये तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया से पास करेगा यूएई से जिंदा करेंगे और इसको हम बनाएंगे। अब आइए इंडिया के यदि फॉरन रिलेशन को देखें इस बीच में तो बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है लेकिन कुछ कुछ तो अभी आई मैंने कवर कर फर्स्ट क्वेश्चन नेम द एम ऑफ नेपाल हु इज विजिटिंग इंडिया करेंटली मतलब फर्स्ट अप्रैल 2022 को इसमें आप पॉज करके देख लीजिए गेस कर लिया होगा आपने ये हैं शेर बहादुर देवबा जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इसके पहले के पी शर्मा ओली थे उसके पहले पुष्प कुमार दहल भी कुछ साल पहले थे गिरजा प्रसाद कुरला तो बहुत पहले थे नेपाल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाइना जो है वो इंडिया को इंसर्कल कर रहा है इन छोटे छोटे स्टेट नेपाल मालदीव भूटान भूटान में तो उसकी दाल नहीं गलती है लेकिन नेपाल मालदीव श्रीलंका इसको वो फ्री पैसे देता है लोन इनको बहुत पैसे चाहिए होते हैं सामान दे देता है फूड स्ट और अपना एक तरह का बेस जैसा उसको बनाता है तो ये इंडिया के लिए स्ट्रेटिकली कि ये एक तरह से पेरीफेरल स्टेट

चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए सर्जई लैब्रोव रसिया के फॉरेन मिनिस्टर आए नैफ्तली बेनेट को भी आना था इसराइल के पीएम है लेकिन उनको कोरोना हो गया इसलिए वो नहीं आ पाए तो ये सही आंसर हो गया अदर फॉरेन डिप्लोमेट या लीडर्स जो आए इंडिया में लॉयड ऑस्टिन यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं मतलब डिफेंस मिनिस्टर हैं लिज ट्रस्ट ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर हैं दलीप सिंह जो यूनाइटेड स्टेट डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हैं, हैं, जो, है, जो कि है, से जूझ रहा है, इसलिए वो आए थे और मैरी एन जी मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैनेडा ये सब इंडिया आए तो आप समझ सकते हैं कितना बिजी जो है फॉरन अफेयर में इंडिया का मार्च रहा है अब यदि हम खेल की दुनिया में चलें, तो कुछ न्यूज हैं इस वीक में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई कि एक नंबर वन टेनिस प्लेयर ने अचानक एक दिन कहा कि अब मैं संन्यास ले रही हूं पच्चीस साल की हैं पूरी दुनिया स्तब्ध रह, रह गई क्योंकि तीन वर्षों से तीन सालों से वो वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस प्लेयर रही है उनका नाम क्या है अब यहां मैंने दिया है ये सारे बहुत ही श्रेष्ठ महिला टेनिस प्लेयर, प्लेयर हैं लेकिन उसमें से जो एशले बाटी हैं ये इन्होंने दे दिया मतलब रिजाइन कर दिया kind of काइंड को स्तब्ध कर कुछ करने के विच इंडियन प्लेयर won द बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ट्वेंटी अभी हाल में बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को दी गई उसमें से जैसे शेफाली वर्मा को जो है वो भी दिया गया उभरते हुए क्रिकेट प्लेयर का चानू को दिया गया द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर लेकिन जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया वो मालेश्वरी को दिया गया जो उन्होंने ओलंपिक में इंडिया के लिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था वो छुपा हुआ क्वेश्चन है लेकिन कहीं किसी में पूछ दे वट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल मैच बॉल फॉर द 2022 ट्वेंटी वर्ल्ड कप फुटबॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को वेयर ट्वेंटी मतलब इस साल का वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ खेला जाएगा आपको पता है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है वो ओलंपिक से भी ज्यादा लोग उसको दुनिया में देखते हैं और ये एक बहुत सबसे एक फेमस टूर्नामेंट होता है तो ये कहाँ हो रहा है क्या पेरिस फ्रांस में लंदन यूके, लॉस नहीं ये एशिया में हो रहा है अपने बगल में हो रहा है दोहा कतर में और हर साल जो है वर्ल्ड कप फुटबॉल जब होती है तो एक ऑफिशियल जो है मैच बॉल डिक्लेयर किया था तो उसका कुछ नाम भी रखा जाता है उसको कुछ स्पेशल टेक्निक से भी बनाया जाता है इस बार का जो बॉल है उसका क्या नाम है आपने देखा होगा पेपर यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं तो पॉज करके देख लीजिए नहीं तो उसका नाम याद कर लीजिए अल रिहिला अल रिहला का मतलब होता है जर्नी तो मतलब ये एक जर्नी है वर्ल्ड कप की जो चल रही है जो इस बार कतर उसको होस्ट कर रहा है अब नेक्स्ट जो होस्ट करेगा वो पेरिस करेगा मुझे लगता है मतलब चेक कर लीजिएगा लेकिन मुझे लगता है 2026 का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल है वो पेरिस हेल्ड करेगा चेक कर लीजिएगा अवार्ड्स देखें तो इस बार तो ही था, जो इस में था, सबसे बड़ा अवार्ड तो उसको देखते हैं हम लोग हु इज द बेस्ट एक्टर अवार्ड विनर इन ऑस्कर ट्वेंटी अब ये देखिए इसको पॉज करके खेल चेक कर लीजिएगा इसका सही जवाब है विल स्मिथ जो किंग रिचर्ड्स के लिए उनको मिला, लेकिन ये एक छोटी घटना हो गई और इस बार ऑस्कर में एक बहुत अजीब सी बात हुई विल स्मिथ जो है वो मंच पे आए अवार्ड लेने से पहले और एक जोरदार का झन्नाटेदार थप्पड़ उन्होंने जड़ दिया जो एंकर थे क्रिस रॉक को जो कि उस समय आ, एंकरिंग कर रहे थे मॉडरेट कर रहे थे मंच पे और एक कॉमेडियन भी फेमस कॉमेडियन है और आ, ये पूरे सेंसिस सभी लोग जो है हथप्रभ रह गए बाद में उन्होंने माफी भी मांगी अब उस पर पुलिस केस वेस की भी बात हो रही है और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है हुआ ये था कि क्रिस रॉक जो है कॉमेडियन है सबकी मजाक उड़ाते रहते हैं उन्होंने विल स्मिथ के पत्नी का मजाक उड़ा दिया और उनको बीमारी है इसके चलते उनके बाल झड़ जाते हैं तो वो पूरी गंजी जैसी है मतलब वो अजीब टाइप का बाल मतलब जो जैसे मर्द गंजे होते हैं उस टाइप के हैं लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं अब इस पे उन्होंने कुछ मजाक बना दिया और क्रिस रॉक को ये बिल्कुल वो गुस्से से पागल हो गए पहले तो उन्होंने चीखा चिल्लाया अपने कुर्सी पे ही बैठ के और फिर मंच पे जाकर उन्होंने उसको उनको थप्पड़ मार दिया ये एक घटना जो है बन गई ये कोई क्वेश्चन पूछने वाले नहीं लेकिन शायद कहीं कोई पूछ दे लेकिन विल स्म जरूर पूछा जा सकता है अब इसके बहाने जो है नाइन्टी पहला तो ये है कि ये जो था, ये जो जो ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड अवार्ड था था अब, 94 था। अब 94 था जो है अट्ठाईस मार्च को दिया गया इसमें किसने किसने जीता इसको याद कर लीजिए ये बहुत सारे कंपिटिशन में पूछा जाएगा बेस्ट फिल्म जो है कोडा को दिया गया कोडा एक बच्चे का नाम है जिनके की माता पिता सब जो है वो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते हैं लेकिन वो सुन सकता है तो ये जो है एक अजीब से बच्चे की कहानी है उसके चलते क्या उसको प्रॉब्लम आती है उसके एक्सपेक्टेशन उसके परिवार में और बाहर उसमें कैसे खींचता है कोडा इस पे बेस्ड है और ये यूनिक फिल्म इसलिए भी है कि ये पहली बार जो है वो एप्पल प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई जैसे नेटफ्लिक्स के लिए बनाई जाती है अमेजन प्राइम ये कोई मेन स्ट्रीम नहीं और उसको इंडिपेंडेंट फाइनेंस करके बनाया गया कोई पिक्चर मोशन कंपनी ने नहीं बनाया और उसको फिर सेल किया गया तो बहुत मायने में ये कोडा जो है स्पेशल फिल्म है ये बेस्ट फिल्म है और इसके लिए जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है इस फिल्म के लिए ही ट्रॉय उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी प्राइज मिला इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का जो है जैन कैम्पियन को मिला द पावर ऑफ द डॉग नाम की पिक्चर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का जो है जेसिका चैस्टेन को मिला आइज ऑफ द टॉमी फे के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का एरियाना डी बोस को मिला वेस्ट साइड स्टोरी के लिए सबको याद कर लीजिएगा अब ये क्वेश्चन एक जगह मैंने ये भी देखा है क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑस्कर अवार्ड जो देते हैं उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देती है तो उसको देती है द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ये भी याद कर लीजिए और इसीलिए इसको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं तो इसको ऐसे पूछा गया था कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द ऑस्कर अवार्ड तो वो अकेडमी अवार्ड ओके अब इससे अधिक तो आपको ऑस्कर अवार्ड से कोई पूछा नहीं पैंडमिक अभी भी छाया हुआ है अभी भी उसपे न्यूज आते रहते हैं फैला रही है डी ए टू है एक्स टू है बी ए टू है तो ये बी ए टू है और एक्स टू कहा जा रहा है कि न्यू वेरियंट जो है अब आ रही है ओमिक्रॉन के बाद जो है नया वेरियंट तो लेटेस्ट होप कि हम इससे उबर पाएंगे इकोलॉजी इन्वामेंट पे यदि हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कहीं कही ना कहीं टकरा जाएगी किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम में वो है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है आपको पता है कि हम लोग ग्रीन एनर्जी की खोज कर रहे हैं चाहे विंड एनर्जी हो सोलर एनर्जी हो बहुत सारे और ग्रीन एनर्जी कि हम लोग तलाश में है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी एक जुड़ गया है अभी हाल में नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन वाली कार से जो है संसद आए ये बताने के लिए अवेयरनेस के कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक अच्छी फ्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है आप पढ़ लीजिएगा लेकिन जो सही ऑप्शन है कि वैसा हाइड्रोजन गैस जो जनरेट किया जाता है इंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके या लो कार्बन पावर सोर्सेस को यूज करके मतलब ऐसा एनर्जी को क्योंकि देखिए हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वॉटर से वाटर में हाइड्रोजन होता है H2O होता है उसको निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रोलिस एंड ऑल तो यदि वो सारी एनर्जी जो है वो यदि रिन्यूबल एनर्जी से आए तो वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाती है और हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है कोई गंदगी नहीं करता है और इससे जो है कोई ग्रीन हाउस गैस भी पैदा नहीं होती है अब इंडिया का न्यूज यदि देखें और कुछ मिसलेनियस तो चलिए देखते हैं विस सिटी इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट ए प्रोसेस स्टील स्लैग रोड स्टील की रोड लोहे की रोड जो है कहां बनाई गई आप पॉज करके आपने देख लिया होगा ये है सूरत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं टपक पड़ सकता है विस सिटी इन वर्ल्ड वॉज डिक्लेयर एज द नॉइजेस्ट सिटी इन रिसेंट ग्लोबल सर्वे सबसे जो गूंज वाला शहर जहां सबसे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा शोर वाला शहर जो है कौन है तो ये है ढाका बांग्लादेश बहुत अजीब सी बात है मैं कभी ढाका गया नहीं हूं लेकिन क्या इतने शोर वाले शहर में कैसा लगेगा और इंडिया का जो मुरादाबाद है वो सेकेंड जो है इस लिस्ट में पाया गया तो ये भी याद कर लीजिए भी पूछा सकता है कि कौन सा इंडियन सिटी जो है सेकेंड सबसे नॉइजेस्ट सिटी जो है वर्ल्ड में पाया गया सर्वे में फ्रॉम विच स्टेट आपसपा वॉज रिमूव पार्शियली रिसेंटली अब देखिए आपसपा के बारे में जान लीजिए फिर हम लोग हैं इस पर बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं आपसपा का पूरा फॉर्म है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसपा उन्नीस में आई थी और ये एक्ट जो है स्पेशल पावर देता है आर्मी को उस एरियाज में जिसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है यदि कोई एरिया डिस्टर्ब हो गया तो फिर जो है उसको स्पेशल पावर मिल जाती है आर्मी और क्या पावर मिल जाती है वो जो है किसी को भी सर्च कर सकते हैं किसी वारंट बिना सर्च वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं पीपल को संदेह पे और बहुत ज्यादा जो है डेडली फोर्स भी यूज कर सकते हैं इस पर कई एक्सीडेंट भी हुई हैं उनको सब अधिकार मिल जाते हैं इससे ह्यूमन राइट वायलेशन होती है उस उसपे काफी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उठाते रहते हैं कि आसपास आपस सही नहीं है और इसके संबंध में एक और आपको जानना चाहिए कि एरोम चानू शर्मिला जो अभी करीब 42 टू की हैं, उन्होंने 16 साल तक जो है इसके लिए फास्ट ऑन टू डेट किया उनके नाक से उनको खाना दे के किसर जिंदा रखा गया तो सोचिए 16 साल अपने जीवन के कोई दे देता है वो मणिपुर की हैं वो आपसपा हटाने के लिए मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से और उनकी बड़ी खुशी उन्हें हुई जब ये पता लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पार्सिय तीन स्टेट से आसपास को हटा लिया है वो स्टेट कौन से थे असम नागालैंड एंड मणिपुर इसलिए ऑल ऑफ सही आंसर है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपसपा के बारे में जानना और उससे लोगों को जो परेशानी हो सकती है और क्यों लगती है उसकी क्या जरूरत है इस पर भी आप सोच सकते हैं डिस्कशन कर सकते हैं सो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आया होगा सो चलिए थैंक्स का सिलसिला शुरू करते हैं यदि आपको ये पसंद आया हो तो जरूर आप शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें क्योंकि ये मैंने इस पर काफ़ी टाइम मैंने दिया है और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैं काफी चीज़ें पढ़ रहा हूँ कई डायरेक्शन में है तो ये मैं तभी केवल जारी रख पाऊंगा यदि ये बहुत पॉपुलर होता है तो नहीं तो मुझे इसको ऐसे ड्रॉप करना होगा मैंने पहले भी कोशिश की है आ, मुझे आशा है कि मैंने सबसे अच्छे क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के लिए हो सकते हैं मैंने जुटाया है जनरल भी जुटाया है तो इससे मेरे क्लास ट्वेल्व से लेकर के और जो रिसर्च तक के जो इंट्रेंस टेस्ट है उसमें जो है ये हेल्प होगा लेकिन तभी मेरी पैशन बनेगी यदि आप इसको बहुत लोगों को शेयर करें और इंकरेज करें देखने के लिए यदि एग्जाम गाइड आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं बहुत तरह के एग्जाम गाइड यहां पे अवेलेबल हैं और मुझे लगता है कि वो मार्केट में अवेलेबल बेस्ट रिसोर्स हैं और सबसे कम कीमत पे अवेलेबल हैं जस्ट नोस्नल और इन सब मेथड से आप मुझसे जुड़ सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय सी यू सुन वेरी वेरी सुन